अमेरिका के राष्ट्रपति आयोग ने व्हाइट हाउस और अन्य संघीय एजेंसियों की वेबसाइट का एशियाई अमेरिकी तथा प्रशांत क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में अनुवाद कराने की सिफारिश की है। इन भाषाओं में हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा भी शामिल है। प्रेसिडेंट एडवाइजरी कमीशन ऑन एशियन अमेरिकन्स नेटिव हवाइयंस एंड पैसिफिक आइलैंड्स ने इन भाषाओं को शामिल करने संबंधित सिफारिशों को हाल ही में मंजूरी दी थी। आयोग की इस माह की शुरुआत में हुई बैठक में सुझाव दिया गया था कि संघीय एजेंसियों को अपनी वेबसाइट पर मौजूद अहम दस्तावेज डिजिटल सामग्री और आवेदन AA तथा NHPI द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में उपलब्ध कराने चाहिए। बैठक में ये भी सुझाव दिया गया था कि लोक एवं आपात चेतावनियों तक ऐसे लोगों की पहुँच भी होनी चाहिए जिन्हें अंग्रेजी भाषा में दक्षता हासिल नहीं है। इसमें ये भी अनुशंसा की गई है कि संघीय सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपातरोधी अभियान, नीति निर्माण, प्रतिक्रिया प्रबंधन एवं अन्य योजनाओं समावेशी हो तथा अंग्रेजी पर मजबूत पकड़ न रखने वाली आबादी के अनुभवों को प्रतिबिंबित करती हो। इन सुझावों को अब व्हाइट हाउस भेजा गया है, जिन पर राष्ट्रपति जो बाइडेन कोई निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सुझाव एकाएक दिए गए हैं, बल्कि ये तब से लंबित है जब भारतीय अमेरिकी अजय जैन भुटोरिया ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार रहे बाइडेन के लिए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कई भाषाओं में प्रचार किया था और बाइडेन चुनाव जीत गए थे।